बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। आज हम बनाएंगे एग कढ़ाई। जिस तरीके से आप मटन कढ़ाई खाते हैं, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, बहुत तरह की कढ़ाई बनती है। मैंने आपको कढ़ाई बनाने भी सिखाई है, अपने चैनल पर भी पेशावरी कढ़ाई बनाई है और वैसे भी। तो ये आज हम बनाएंगे एग कढ़ाई। इसके लिए मेरे पास अंडे हैं 3 अदद। आप अपनी चॉइस पर एग यूज़ कर सकते हैं, मसाले भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा ऐड करना चाहें एग को तो डाल सकते हैं। इसके अलावा ये 2 अदद टमाटर है मेरे पास, 3 टेबलस्पून चॉप मेरे पास प्याज है। ये मेरे पास मैंने रोस्टेड मसाले कर लिए हैं और ये मेरे पास तीन चीज़ों के मैंने स्पाइस लिए थे, उसको मैंने ये रोस्ट किया है, पीस लिया है उसको। इसमें ज़ीरा है, धनिया है और काली मिर्च है। इसको आपने पीस लेना है रोस्ट करने के बाद। और ये इसमें जाएगा 2 खाने के चमचे। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा 2 टेबलस्पून आपने दही लिया है। साथ में इसमें 3 से 4 अब हरी मिर्चें यूज़ कर लें। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है। साथ में इसमें जाएगा नमक, यहाँ मैं डाल रही हूँ उसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून। और ये रेड चिली पाउडर है, जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। तो अब स्टार्ट करेंगे बनाना। इसके लिए जो आपके पास एग्स हैं, जो आपने बॉईल कर लिए थे, आपने उनको लेना है, ठीक है। और आपने उनको कट करना है, मतलब पूरा कट नहीं करना, निशान आपने देने इस तरीके से, ताकि जो उसका जो इसके अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाए। ये देखें, ठीक है, 3 जगह। और दूसरे को भी आपने ऐसे ही कट करना है, 3 साइड्स पर। मैंने इसमें डाला है ऑयल और अब मैं एग को जो है फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्स को आप फ्राई कर लूँ। अब मैं एग्स को निकाल लूँगी। अब मैं ऑयल में डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की जो कच्चा बन होता है उसका अपना, वो आपने उसको बिल्कुल खत्म करना है। उसके बाद आपने इसमें डालनी है प्याज, और प्याज को भी आपने फ्राई करना है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और जो टमाटर की जो स्किन है मैं इसकी रिमूव कर लूंगी, स्किन ये ढक के आपको जाएंगे। अब जो टमाटर की जो स्किन है वो मैं ले लूंगी, निकाल लूंगी, और साथ साथ इसकी भी बाकी भी निकाल लें। टमाटरों को आप इस तरीके से तोड़ लें। और देखिए इसमें मसाले ऐड जाएंगे, स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें जा रही है स्पाइसेस, इसमें जाएगी किसी लाल मिर्च, साथ में इसमें डाल जाएगी हल्दी पाउडर और जाएगा इसमें नमक। मिक्स कर लें, इसको आप भून लें। और इसके बाद इसमें जाएगा पानी, 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब देखिए आप इसमें जो मैंने वाटर ऐड किया था उसमें बॉयल जा रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एग। और साथ में इसमें जाएगा ये मसाला, जो काली मिर्च, धनिया और जीरे का मैंने बनाया था। और आप इसको कर लें मिक्स। साथ में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को डाल के भी आप
मतलब फॉर कुक कर लें, और उसमें आप डालेंगे कसूरी मेथी। इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, और इसके बाद आप इसको कच्चा ला लें और फिर आप इसको सर्व करें। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखें, ये एक कढ़ाई जो है रेडी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस एक कढ़ाई को मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।